तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्रिक गुरु में। आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला होने वाला है, उसके सॉरी पहला वनडे मुकाबला होने वाला है, उसके बारे में क्या कुछ ड्रीम इलेवन होने वाली है, क्या कुछ हमारी प्लेइंग इलेवन होने वाली है। दोस्तों तीनों T20 मुकाबले पाकिस्तान ने जीते हैं, एक तरफा हारी है T20 में न्यूजीलैंड टीम। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ पिच रिपोर्ट और टीम न्यूज है उसके बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों पिच कंडीशन की, तो किस पिच है जो कि आपके लिए स्पिन फ्रेंडली है। दोस्तों बात करें कहाँ मैच होना है, शेख ज़ायद स्टेडियम अबू धाबी में होना है। टोटल इस पर 43 मैच खेले गए हैं, जो पहले बैटिंग करने वाली 28 मैच जीती और सेकंड बैटिंग करने वाली यहाँ पे 15 मैच जीती। बात करें एवरेज टोटल की, यहाँ पर 247 है सेकेंड फर्स्ट इनिंग एवरेज टोटल, सेकेंड इनिंग 206 है। हाईएस्ट टोटल दोस्तों यहाँ पे 313 है और लोएस्ट टोटल 63 है अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड। बात करें दोस्तों हाईएस्ट चेस की, हाईएस्ट चेस यहाँ पे 295 है और लोएस्ट डिपेंडेबल बात करें 180 है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की संभावित 11 की। न्यूजीलैंड की संभावित 11 की बात करें दोस्तों, बाटलिंग है विकेट कीपिंग सेक्शन में। बात करें दोस्तों बल्लेबाजी डिपार्टमेंट, केन विलियमसन है, कॉलिन मुनरो हैं, रॉस टेलर हैं, टॉम लॉथम हैं और दोस्तों डाउटफुल वॉकर हैं और हेनरी निकोलस हैं। बात करें दोस्तों ऑलराउंडर कॉलिन डिक ग्राउंड है। हम बात करें दोस्तों बॉलिंग डिपार्टमेंट की, ट्रेंट बोल्ट है, मैट हेनरी हैं, ईस्ट सोडी और टिम साउदी हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे हम पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन के बारे में। पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन के बारे में बात करें, सरफराज अहमद हैं जो कि आपको कन्फर्म खेलते हुए नजर आ जाएंगे। बात करें बल्लेबाजी डिपार्टमेंट, फ़खर जमान है, इमाम उलहक हैं, बाबर आजम हैं, शुएब मलिक हैं, आसिफ अली और हैरिस सोहेल आपके लिए डाउटफुल हैं। बात करें दोस्तों ऑलराउंड डिपार्टमेंट की, मोहम्मद हफीज़ हैं, फहीम अशरफ हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं बॉलिंग की, बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, शादाब खान हैं, हसन अली हैं, जुनैद खान है, साइन अफरीदी, डाउटफुल इमाद वसीम और उस्मान खान है। दोस्तों चलिए देख लेते हैं दोस्तों क्या कुछ हमारी ड्रीम इलेवन की टीम होने वाली है उसके बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन, विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, बाटलिंग और सरफराज अहमद। बाटलिंग का कुछ कन्फर्म नहीं है खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि टॉम लॉथम भी दोस्तों आपको विकेट कीपिंग कर लेते हैं, तो शायद से उन्हें खिला ले टीम, इन्हें ना खिलाए, इसलिए मैं यहाँ से सेफ ऑप्शन सरफराज अहमद के साथ चलना पसंद करूंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की। दोस्तों यदि उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता चले। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ से बल्लेबाजी डिपार्टमेंट, बल्लेबाजी डिपार्टमेंट बात करें, मैंने यहाँ से केन विलियमसन को पिक किया जो कि कप्तान है अपनी टीम के और शानदार फॉर्म में है। दोस्तों अभी T20 में भी आपने देखा होगा एकमात्र बल्लेबाज केन विलियमसन आपको न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी अच्छी खासी बल्लेबाजी करती हुई नजर आए। बात करें बाबर आजम की, बाबर आजम शानदार फॉर्म में है, आप इन्हें पिक कर सकते हो। बात करें रॉस टेलर की, रॉस टेलर आपको सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं न्यूजीलैंड की तरफ से, तो मैंने इन्हें पिक किया है। चलिए दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं, फ़खर जमान को आप चाहो तो पिक कर सकते हो, यहाँ से आपको रॉस टेलर या बाबर आजम को ड्रॉप करके फ़खर जमान को यहाँ से पिक कर सकते हो। बात करें शुएब मलिक की, आप शुएब मलिक को भी पिक कर सकते हो, यहाँ करना क्या होगा बाबर आजम को ड्रॉप करके शुएब मलिक को आप यहाँ से पिक कर सकते हो, जो कि 4 नंबर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। रॉस टेलर 4 नंबर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, बाबर आजम आपके लिए फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, केन विलियमसन आपको फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे दोस्तों, लेकिन मैंने यहाँ से बाबर आजम को पिक किया। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ से टॉम लॉथम की, यदि टीम ने मौका दिया तो ये भी ओपन करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। बात करें इमाम उलहक की, जो कि ओपनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे, मैंने इन्हें पिक किया है। और बात करें कॉलिन मुनरो की, कॉलिन मुनरो की भी आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से मार्टिन गुप्टिल है नहीं टीम के साथ, तो कॉलिन मुनरो आपके लिए ओपनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। बात करें हेनरी निकोलस की, यदि मौका मिलता है दोस्तों ये भी आपके लिए अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। बात करें आसिफ अली और हैरिस सुहेल में से एक किसी को मौका मिलने वाला है दोस्तों, इसलिए आप इनसे दूर रहिए स्मॉल लीग की टीम में। दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ से स्मॉल लीग की टीम प्रोवाइड कराता हूँ, ना कि ग्रैंड लीग की। चलिए बात करते हैं ऑलराउंड डिपार्टमेंट की, ऑलराउंड डिपार्टमेंट की बात करें, मोहम्मद हफीज़ हैं दोस्तों, आपने रिसेंटली फॉर्म इनका देखा ही होगा, कितना शानदार फॉर्म चल रहा है, आपके लिए फर्स्ट डाउन या सेकेंड डाउन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे और अपने कोटे के 7 या 8 ओवर फेंकेंगे दोस्तों। टीम में वापसी की है तो इनकी परफॉर्मेंस आपने देखा ही होगा लास्ट में। बात करें कॉलिन डिक ग्रैंडहोम की, कॉलिन डिक ग्रैंडहोम अपनी टीम की तरफ से 8 से 10 ओवर फेंकेंगे दोस्तों और बल्लेबाजी करने लिए या 5 या 6 नंबर पर आएंगे दोस्तों, तो आप इन्हें पिक कर सकते हो। बात करें इमाद वसीम और फहीम अशरफ, दोनों डाउटफुल है दोस्तों, तो आप इनसे दूर रहिएगा। चलिए देख लेते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की, बात करें बॉलिंग डिपार्टमेंट की दोस्तों,
आपके लिए हसन अली हैं जो कि कंफर्म खेलती हुई नज़र आ जाएंगे, मिडिल ओवर्स और लास्ट ओवर डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे। बात करें टिम साउदी की, कंफर्म खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं यहाँ से ट्रेंट बोल्ट की बात करूँ दोस्तों, आपको साथ से थोड़े डाउटफुल हो सकते हैं क्योंकि अभी जो इनकी इंजरी चल रही थी इस कारण से बाहर चल रहे थे। दोस्तों अभी इनकी फिटनेस के बारे में कोई खबर आई नहीं है, यदि इनकी फिटनेस के बारे में कोई खबर आएगी तो मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा, तो आप दोस्तों चेक करते रहिएगा। बात करें यहाँ से टिम साउदी आपको खेलती हुई नज़र आ जाएंगी दोस्तों, शुरुआत करेंगे अपने टीम की तरफ से बॉलिंग की और डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगे। बात करें शादाब खान की दोस्तों, शानदार बॉलर हैं, आप इन्हें पिक कर सकते हो। पाकिस्तान की तरफ से अपने पूरे 10 ओवर फेंकेंगे दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ से जुनैद खान के, आपको बताऊँ दोस्तों यहाँ से जुनैद खान, साइन अफरीदी और उस्मान खान में से एक कोई खेलता हुआ नज़र आ जाएगा इन आपके लिए इन तीनों में से। बात करें मैट हेनरी आपको खेलती हुई नज़र आ सकते हैं दोस्तों। बात करें ईस्ट सोडी की, एकमात्र स्पिनर हैं ईस्ट सोडी और एजाज पटेल, आपके लिए ईस्ट सोडी और एजाज पटेल एक कोई खेलता हुआ नज़र आ जाएगा क्योंकि स्पिन ट्रैक है, तो लगता है मुझे ईस्ट सोडी खेलती हुई नज़र आ जाएगा क्योंकि ये लेग स्पिनर हैं। तो दोस्तों आप इन्हें भी पिक कर सकते हो दोस्तों, मेरा एक आइडिया है, मैंने ये पिक किया है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं दोस्तों यहाँ से आप हमारे कप्तान ऑफ कप्तान के बारे में दोस्तों, कप्तान ऑफ कप्तान के बारे में बात करें दोस्तों यहाँ से आपके लिए कॉलिन मुनरो शानदार ऑप्शन है, किन विलियमसन, मोहम्मद हफीज़, रॉस टेलर और इमाम उल हक आपके लिए शानदार ऑप्शन है। आप चाहो तो बाबर आजम को भी ट्राई कर सकते हो। आपके लिए 4 से 5 ऑप्शन है दोस्तों, आपके पास ऑप्शन की कमी कोई है नहीं दोस्तों कप्तान ऑफ कप्तान के लिए। मैं आपके लिए मेरी 3 बेस्ट चॉइस बता दूँ दोस्तों, यहाँ से बाबर आजम है दोस्तों, केन विलियमसन है, कॉलिन मुनरो है और मोहम्मद हफीज़ है दोस्तों। ये 4 चॉइस है, इनमें से बेस्ट कप्तान बनाना आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों टीम का फाइनल प्रीव्यू क्या रहेगा। टीम के फाइनल प्रीव्यू के बारे में बात करें यहाँ से सरफराज अहमद हैं, रॉस टेलर हैं, कॉलिन मुनरो हैं, इमाम उल हक हैं, बाबर आजम हैं और केन विलियमसन हैं। बात करें ऑलराउंड डिपार्टमेंट की, ग्रांड डोम हैं और मोहम्मद हफीज़ हैं। बात करें बॉलिंग डिपार्टमेंट की, हसन अली हैं, शादाब खान और टिम साउदी। दोस्तों मैं मेरी चॉइस बता दूँ कप्तान और कप्तान के लिए, मैं यहाँ से मोहम्मद हफीज़ और कॉलिन मुनरो के साथ जाना पसंद करूँ क्योंकि दोनों बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं दोस्तों। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।